थाना खेरागढ़ और एसटीएफ ने किया साइबर क्राइम क्रेडिट कार्ड की ठगी का खुलासा। क्रेडिट कार्ड की ठगी करने वाले चार अपराधियों को पुलिस ने लिया अपनी गिरफ्त में। दो आरोपी है अभी फरार। आंसू और सौरभ गिरोह के हैं मास्टरमाइंड। तीन दिल्ली और एक हरियाणा का रहने वाले हैं आरोपी। चारों आरोपियों ने लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के पास से 6,59,000 रुपए, एक एप्पल का लैपटॉप, 14 मोबाइल, 6,000 लोगों का क्रेडिट कार्ड का डेटा किया बरामद। एसएसपी आगरा ने आगरा की जनता से की अपील, ऐसे ठगी करने वाले कॉल से रहें सावधान। किसी को भी फोन पर ना दें अपना ओटीपी। अपने नजदीकी बैंक से तुरंत करें ऐसे कॉल आने पर संपर्क। साथ ही साथ बैंक अधिकारियों को भी किया सचेत कि कहीं छोटी सी किसी भी कर्मचारी की लापरवाही से बैंक का डेटा ना पहुंच पाए ऐसे ठगी करने वालों तक। ग्रुप पूरी वारदातों को फर्जीवाड़े को अंजाम देना था, तरीका क्या था? आज एक साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश करने में हमारी एसटीएफ की नोएडा यूनिट की टीम को और थाना खेरागढ़ की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इस गिरोह ने फर्जी मर्चेंडाइज साइट बनाकर क्रेडिट कार्ड धारकों से ठगी करके करोड़ों रुपए की साइबर फ्रॉड की है। इसका सरगना सहित कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से एक एप्पल की लैपटॉप, 14 मोबाइल फ़ोन, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक होंडा सिटी गाड़ी जो फ्रॉड के पैसे से खरीदी गई है, 6,59,000 रुपये और 61 पेज के डॉक्यूमेंट्स जिसमें तकरीबन 6,000 क्रेडिट कार्ड धारकों की डिटेल्स है, वो सभी बरामद की गई है। ये गैंग मेन रूप से फरीदाबाद और दिल्ली का रहने वाला है। इनमें से जो अभियुक्त सरगना सौरभ और आशु, इन दोनों ने पूछताछ में ये बताया कि पूर्व में ये कॉल सेंटर में काम करते थे जो बैंकों के या क्रेडिट कार्ड सर्विस प्रोवाइडर के कॉल सेंटर्स थे। वहाँ से क्रेडिट कार्ड धारकों के डिटेल्स अपने साथी और पूर्व के कर्मचारियों से खरीदते थे और उसके बाद क्रेडिट कार्ड धारकों को फ़ोन करके विभिन्न विभिन्न प्रलोभन देकर उनसे उनके क्रेडिट कार्ड नंबर, ओटीपी नंबर और जो सीक्रेट पिन नंबर है वो ले लेते थे। साथ ही साथ उसी समय अपनी एक मर्चेंडाइज जो साइट बनाई हुई है उस पर उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल से परचेजिंग कर लेते थे और क्रेडिट कार्ड से पैसा कटकर उसके अभियुक्तों के अकाउंट में चला जाता था। इस प्रकार से अभी तक कुल 1 करोड़ से ज़्यादा की ठगी इन सभी लोगों ने मिलकर की है, जिसमें से कुछ गाड़ियां खरीदी गई, कुछ पैसे दिए गए और सरगना सौरभ श्रीवास्तव ने एक मकान करीब 40 लाख का है वो खरीदा है फरीदाबाद में। इन सभी चीज़ों की रिकवरी कराई जा रही है और इनके जो पूर्व साथी हैं जिसने क्रेडिट कार्ड के डेटा इनको बेचे हैं तकरीबन 35 रुपीज़ पर डेटा के हिसाब से, उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें